मंत्री जी ने कहा कि हमारे को अपनी जातिवाद तोड़नी चाहिए। मंत्री साहब, अगर दिल्ली सरकार थोड़ा सा ये जो हमारा सर्टिफिकेट बनता है, अगर कोई आदमी ये करना चाहे कि मैं अपनी जाति ना लिख के अम्बेडकरवादी लिखना चाहता हूँ, अगर इस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है, अगर हम अपनी जाति ना लिख के उसमें अम्बेडकरवादी लिखें तो ये एक अच्छा सुझाव होगा मेरी तरफ से। दूसरी बात यह है कि हम जो हैं, हम अपनी समस्याओं के ज़्यादातर समस्या हम खुद उत्पन्न करते हैं। इसलिए उत्पन्न करते हैं कि बाबा साहब ने जो हमारे को बौद्ध धर्म बताया था, जो अम्बेडकर विचारधारा है, हम उस पर ना चल करके हम दूसरी विचारधाराओं पर चलते हैं तो अपनी समस्याएं खुद हम उत्पन्न कर रहे हैं। हमारी आधी से ज़्यादा समस्याएं खुद ही खत्म हो सकती हैं यदि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, क्योंकि अपना दिमाग स्वयं भव। और तीसरी बात यह है कि हमें जो है ना कि जब जो जो हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं, बाबा साहब, गौतम बुद्ध जी, रविदास जी, हम अपने बच्चों का कोई भी कार्यक्रम करें, शादी ब्याह करते हैं तो हम अपने शादी ब्याह का कार्यक्रम सिर्फ उसी दिन करें जिस दिन हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया, क्योंकि उससे शुभ दिन हमारे लिए कोई अच्छा नहीं हो सकता। और तीसरा यह है कि हमारे यहाँ विशेष रवि जी बैठे हुए हैं, हमारे अपने, मैं क्योंकि मेरा बचपन बापनगर से गुजरा है, कि वहाँ एक रविदास टेम्पल है, रविदास टेम्पल की लड़ाई हम पिछले 40 साल से लड़ रहे हैं कि वहाँ पर जो है ना जो गवर्नमेंट क्वार्टर हैं वो अभी तक वहाँ पे, यानी कि जो पहले बहुत पहले फाइल चली थी कि वो जो है ना रविदास जो हमारा जन्म वो संस्थान है उसको अलॉट कर दी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना इतनी पब्लिक आती है रविदास जयंती के दिन कि वहाँ पर पब्लिक आ नहीं पाती। अगर वो, अगर दिल्ली सरकार उसमें कुछ अपना अपने यत्न से वो क्वार्टर को खाली करा दे तो ताकि जो रविदास जी की विचारधारा है, मेहनत करो और ईमानदारी से रहो, कि उसके विचारधारा के लोग वहाँ पर ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा ज़्यादा रविदास जी की विचारधारा फैलेगी और समाज के अंदर भाईचारे की पैदा होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।